कि हमें अक्सर व बेशतर बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो हमें बेफायदा लगती है, जिसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, बेकार लगती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खुदा की मखलूकात में से हैं मगर वो हमें बेकार लगती हैं, बेफायदा लगती हैं। हमारी नज़र में, हमारे नज़रिए में वो चीज़ें जो बेकार होती हैं, बेफायदा लगती हैं, वो दरअसल बेफायदा बेकार नहीं होती। उनके अपनी अपनी जगह बहुत सारे फवाइद होते हैं। हमें कोई चीज़ तकलीफ देती है तो भी हम सोचते हैं ये बेकार चीज़ क्यों पैदा हो, इस बेकार चीज़ का क्या फ़ायदा है। जो हशरातुल अर्द हैं, जो ज़मीन के कीड़े मकोड़े हैं, आज तक हम लोग यही समझते हैं कि ये कीड़े मकोड़े ये सब बेफायदा चीज़ें हैं, लेकिन इनका सबका अपनी अपनी जगह एक मकाम है, अपनी अपनी जगह एक काम है, जिसकी वजह से परवरदिगार आलम ने इन सबको वजूद बख्शा, इन सबको पैदा किया। एक दिलचस्प वाकया है, मूसा अलैहिस्सलाम हम कलाम थे अल्लाह तबारक व तआला से कि एक दरख्त पे एक छिपकली चढ़ रही थी, यूं छिपकली को देखकर आपके दिल में एक सवाल पैदा हुआ और आपने दौरान कलाम दौरान गुफ्तगू परवरदिगार आलम से पूछा कि परवरदिगार आलम इस छिपकली को तूने क्यों पैदा कर दिया, ये बेकार जानवर छिपकली को तूने क्यों पैदा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम का सवाल बज़ाहिर माकूल था, इसलिए कि छिपकली का मूसा अलैहिस्सलाम को तो कोई फायदा था नहीं और मूसा अलैहिस्सलाम ने कभी छिपकली को कोई काबिल, कोई देखने लायक काम करते हुए नहीं देखा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने छिपकली को बेफायदा बेकार समझा। तो परवरदिगार आलम ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मूसा, ये छिपकली 30 साल से मुझसे सवाल कर रही है कि परवरदिगार तूने मूसा को क्यों पैदा किया। ये छिपकली 30 साल से मुझसे सवाल कर रही है कि परवरदिगार तूने मूसा को क्यों पैदा किया। तो मूसा, इस छिपकली को पैदा करने का भी मेरा एक मकसद है और तुझे भी पैदा करने का एक बहुत बड़ा मकसद है, लेकिन जिस तरह से छिपकली तुझे बेफायदा और बेकार लगी, इसी तरह से छिपकली को तू बेकार और बेफायदा लगा। इसीलिए तो 30 साल से वो सवाल कर रही है कि तूने मूसा को क्यों पैदा किया। मालूम ये हुआ कि जिस तरह से छिपकली का अपनी जगह मकाम है, अपनी जगह उसका काम है, इसी तरह से हर एक चीज का, हर एक कीड़े मकोड़े का अपनी अपनी जगह एक काम है, अपनी अपनी जगह एक मकाम है। इंसान के आज़ा ही को देख लिया जाए कि आंख जो है उसका अलग काम है, कान जो है उसका अलग काम है, नाक हाथ पैर सबका अलग अलग काम है। अब आंख को कान से कोई फायदा नहीं, कान को नाक से कोई फायदा नहीं और नाक को आंख से कोई फायदा नहीं, तो अब अगर आंख सवाल करे कि तूने कान को क्यों पैदा किया, या कान खुदा के दरबार में अर्ज गुजार रहे कि नाक को क्यों पैदा किया, या आंख सवाल करे कि हाथ पैर क्यों पैदा किए, तो ये सवाल बचा नहीं होगा, ये एतराज जायज नहीं होगा, इसलिए कि इनमें से हर एक का अपना अपना फायदा है, सबके अपने अपने फायदे हैं। गाड़ी के अलग अलग पुर्जे होते हैं, उनके अलग अलग फायदे होते हैं। अगर एक पुर्जा दूसरे पुर्जे के मुतालिक कहे कि ये बेकार है तो वो गलत होगा, इसलिए कि वो अपनी जगह काबिल है, वो अपनी जगह कामयाब है। तो हर एक का कोई ना कोई फायदा होता है। मूसा अलैहि सलाम और छिपकली का ये जो वाकया है, ये बड़ा इबरत खेज है, बड़ा सबक आमोज है कि एक छिपकली भी बेफायदा नहीं है और अल्लाह ताला ने एक नाखून बराबर चीज भी, जर्रा बराबर भी चीज अल्लाह तबारक व तआला ने बेफायदा, बेमकसद, बेकार पैदा नहीं फरमाई। सबका अपनी अपनी जगह मकाम है। किसी शायर ने कहा है कि चमन में इख्तलाते रंग बू से बात बनती है, चमन में इख्तलाते रंग बू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। इख्तलाते रंगो बू का मतलब रंग और खुशबू के मिलने से बात बनती है। सिर्फ रंग की वजह से भी चमन की रौनक नहीं बढ़ती और सिर्फ खुशबू के सबब भी चमन सरसब्ज और शादाब नहीं होता। चमन में रंग होगा और साथ में खुशबू होगी तब बात बनेगी। खुशबू और रंग के खल्त मल्त के सबब ही चमन में रौनक आती है, खुशबू और रंग के मिल जाने के सबब चमन में बाहर आती है। चमन में इख्तलाते रंग बू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तनहा कुछ नहीं, एक फर्द जो होता है, एक बशर जो होता है, वो मिल्लत के जोड़ से, मिल्लत के मिलाप से और मिल्लत की इत्तिहाद से वो कायम होता है। वो जो मजबूत है, अपनी जगह मुस्तहकम है, वो मिल्लत के जोड़ के सबब, मिल्लत के इत्तिहाद के सबब है। फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, वो अकेला कुछ भी नहीं है। फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। अफराद के हाथों में है अक्वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। जो लोग हैं, अफराद फर्द की जमा,
कि जो अफराद हैं उनके हाथों में अकवाम कौम की जमा अकवाम की तकदीर है। बहुत सारे लोग होते हैं उनके मिलने से कौमें बनती हैं, एक आदमी से, एक बशर से, एक फर्द से कौम नहीं बनती। अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। एक एक फर्द, एक एक शख्स, एक एक बशर ये मिल्लत के मुकद्दर का सितारा है। इनके सबब मिल्लत का मुकद्दर चमकता है। तो मालूम हुआ कि हर इंसान की, हर जानवर की, हर कीड़े मकोड़े की, हर मखलूक की, जर्रा से लेकर पहाड़ तक और चूहा से लेकर हाथी तक, सबका अपना अपना मकाम है, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है, सबकी अपनी अपनी जरूरत है। तो अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक को बेकार और बेफायदा समझना, बेमकसद समझना, ये बहुत बड़ी गलती होगी जो हमें हरगिज नहीं करना चाहिए।